कहा गया तो क्या करूं, भगवान की इच्छा थी ही नहीं, तो इसलिए ये प्रार्थना नहीं। दयानंद कहते हैं उसका धन्यवाद करना सीखो। जो सुबह शाम उसका धन्यवाद करता है ना, वो उस परमपिता परमात्मा की कृपा का प्रसाद जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। माताओं सज्जनों, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को, जरा आनंद लेके चलिएगा। मैंने पूछा ये समर्पण में क्या चीज बाधा है। युधिष्ठिर के प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर, और मैं आपसे कहता हूँ सुनने वाली चीज है, जो चीज वेद के अनुकूल है ना वो किसी भी शास्त्र में हो वो सुनने के लायक है, जो वेद के अनुकूल है, और जो मनोवेद के प्रतिकूल है उसको त्याज्य समझा गया है। तो वेद के अनुकूल चीजों को भी समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं तो कहूंगा शास्त्री जी से युधिष्ठिर के जितने प्रश्न है इतने प्रैक्टिकल है, इतने व्यवहारिक है, जिंदगी के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, उन पर चर्चा करो। मैंने तो पूरी एक बार उन पर व्याख्या कर रखी है। उसमें प्रश्न जो है ये पूछा कि इस दुनिया के अंदर सबसे दुखी इंसान कौन है। दुखी तो एक से एक है जी, क्यों जी, नानक दुखिया सब संसार, दुख की कोई सीमा है। दुखी तो एक से एक है जिसके सुनने लगो शाम तक लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेकिन वहां पर जो युधिष्ठिर है वो अमृत है शास्त्र का। युधिष्ठिर क्या कहता है, जो जीवन के अंदर चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति है वो संसार के अंदर सबसे ज्यादा दुखी है। और आजकल संसार में क्या है, सुख साधन है, इतना सुखी पर जो है जीवन कभी नहीं रहा। जहां बटन दबाते ही लाइट चलती हो, जहां बटन दबाते ही ऐसी हवा चलती आती है, गर्मी में भी कंबल मांगने लगता है। तुम बताओ चलती है कि नहीं चलती है। पहले लोग कहते थे भगवान किसी तरह कमरा ठंडा हो जाए, अब इतना ठंडा चल कर देते हैं कि आपको एसी बंद करना पड़ता है। इतनी सुविधाजनक जिंदगी कभी नहीं रही। लेकिन फिर भी चिंता की लगी रही और तनाव की लगी रही, बोलो सबके चेहरे पर क्यों है। और जहां तनाव है, जहां टेंशन है, जहां चिंता है, वहां सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। वो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है बोलो जो जितनी चिंता में डूबा हुआ है। अब कमाल की बात समझ, उसको थोड़ा समझा देता हूँ। आचार्य चाणक्य क्या लिखता है, पीछे जो लोग हैं उनसे अपना जो है आशीर्वाद चाहता हूँ और उनका समर्थन भी चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आचार्य चाणक्य क्या लिखता है, भाई अगर चिंता और चिंता में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना, बोलो चिंता को चुन लेना। क्यों चुन लेना, चिंता रोज जलाती है और चिंता एक बार में ही कम से कम मुक्त कर देती है। चिंता चिंता दोयोर मध्ये चिंता ने मगरी ऐसी, कहते चिंता को कभी तनाव को टेंशन को जीवन में अपने पास मत पसरने दे, उसमें मत जी। लेकिन मुझे परिभाषा उतनी नहीं चली जितनी युधिष्ठिर की चली, कमाल हो गया है। युधिष्ठिर क्या कहता है, युधिष्ठिर कहता है मैंने पूछा युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उससे प्रैक्टिकल और व्यवहारिक उत्तर कोई दे नहीं सकता था। उससे पूछा कि क्यों दुखी होता है, तो युधिष्ठिर कहता है चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति इसीलिए दुखी होता है। जैसे हवा चलती है ना, माता हवा चलती है और उसके सामने भूसे को उड़ा दीजिए तो फिर भूसे के तिनके दूर दूर तक बोलो तो सही बिखर जाते हैं। दूर दूर तक भूसे के तिनके बिखर जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करना आसान नहीं होता। कमाल कहता है युधिष्ठिर
कहता बस ठीक इसी तरह से जैसे सूखे तिल के हवा के साथ दूर दूर तक बिखरे हैं वो आदमी जो दिख रहा है ना चिंता में डूबा हुआ, वो दिखता तो है एक जगह बैठा हुआ लेकिन बोलो चारों दिशाओं में दूर दूर तक बोलो सही बिखरा हुआ होता है। पर बिखरा हुआ इंसान कभी अपनी मंजिल पर चाहे दुनिया की हो चाहे अध्यात्म की हो कभी नहीं जा सकता। वो बिखरा हुआ इंसान है जो चिंता में डूबा हुआ है, युधिष्ठिर कहता है सूखे तिनकों की तरह से बिखर गया और जो बिखर गया वो क्या मंजिल को प्राप्त करेगा। उसका दिमाग पर बोला और सरल कर देता हूँ, चिंता में डूबे हुए व्यक्ति के हाथ कहीं जाते हैं और बोलो मन कहीं जाता है और दिमाग कहीं जाता है। वो तो पूरी तरह से बिखर चुका है और कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अब मैंने पूछा कि ये चिंता होती क्यों है, क्यों जी अब ये चिंता होती क्यों है? जल्दी जल्दी से बात कर रहा हूं तो 12:30 भी होगा तो भी जो है टाइम थोड़ा कम ही बच गया है। जब ये चिंता होती क्यों है तो उस समय कहा अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। चिंता उसको होती है भाई जो सब कार्यों का कर्ता बोलो अपने आप को समझने लगता है। अगर मैं सोचने लगू ये भारी भीड़ तो सिर्फ आचार्य जयेंद्र की वजह से आ गई, ये यज्ञशाला तो मैंने बना दी, ये तो मेरे प्रचम से सब कुछ हो रहा है, जब सारा टोकरा मैं अपने सिर पर रख लूंगा तो चिंता किसे होगी? अरे बोलो तो सही चिंता भी मुझे होगी। कृष्ण कहते हैं अहंकार में डूब करके व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा कर्ता समझता है, अपने आप को कर्ता समझता है और कर्ता समझ करके वो चिंता में डूबने लगता है। और चिंता में बस एक बात आपको कह देता हूं जरा इसको जरा दिल में जिंदगी में याद रखने वाली बात है ये अहंकार को क्यों अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति दान करने भी जाएगा ना माताओं तब भी कुछ ना कुछ बोलो तो सही गड़बड़ कर बैठेगा। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति परोपकार करने भी जाएगा तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठेगा। अहंकार वाला व्यक्ति अच्छा करने भी जाता है तो गड़बड़ा जाता है, क्यों? उसका अहंकार कुछ ना कुछ गड़बड़ी सही करवा ही देता है। इसलिए अहंकार से बचना है। अहंकार में डूबकर हम क्या करें? ऋषिदान क्या लिखते हैं? तेरी कृपा से आयु मिली है तो ये सामर्थ्य दे दे कि तुझको समर्पित कर सकूं, तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। अरे ये समझ लो ना मैं करने वाला नहीं, मैं तो परमात्मा की बोलो और वेद की आज्ञा का पालन मात्र कर रहा हूं और मुझे अगर वो निमित्त बना रहा है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य के साथ जियो ना तो अहंकार से पीछा छूट जाएगा। अहंकार को जल्दी नहीं जाता। एक छोटी सी बात करो जब बच्चे बैठे तो बच्चों के भी काम आ जाएंगे। कहते हैं कि घड़ा कटोरी साथ साथ रहते थे। कटोरी ने एक दिन घड़े से कहा जो तेरे आगे हाथ फैलाता है उसकी प्यास बुझाता है, लोटा लेके आता है उसका लोटा भर देता है, गिलास लेके आता है उसका गिलास भर देता है, सबकी प्यास बुझा देता है, लेकिन तो कितना नालायक निष्ठुर है। मैं तेरे साथ रहती हूँ हमेशा लेकिन मेरी प्यास तो बुझाता ही नहीं। घड़े ने कहा तो रहती का सिर पर सवार होकर के रहती है, सिर पर सवार होकर के रहती है तो तेरी प्यास कहाँ से बुझाओ? कटोरी कहने लगी ठीक कहता है। तो कटोरी नीचे उतरी और जैसे कटोरी झुकी ना घड़ा भी झुक कर के बोले उसकी प्यास बुझा देता है, उसको तृप्त कर देता है। अहंकार से तो छूटना पड़ेगा। कहते हैं जो अहंकार के विमूढ़ होकर के अपने आप को ही ठेकेदार और कर्ता मानता है अरे वो तो चिंता में पड़ेगा, नहीं मानता
वो तो चिंता में पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान समर्पण से लिखता है कि मैं तो परमात्मा के आदेशों का पालन कर रहा हूं। तो चिंता से रहित होकर के जीवन परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से जीवन चलता है। अहंकार की बात आती है तो जरा उसको भी पूरा कर दो, नहीं तो फिर हमारी बहने जो आएंगी तो मुश्किल हो जाएगा। जब चल रहा था ना प्रकरण चल रहा था, तो प्रकरण चलते चलते जब मैंने कहा था कि पतन का मतलब फिसल करके गिरना नहीं, मुझे उत्तर से पता चला अरे फिसल करके तो जो धर्मात्मा वो भी गिर जाता है कई बार, और पक्षपाती भी गिर सकता है, न्यायकारी भी गिर जाता है, उसको कोई मतलब नहीं। बारिश में चिकने पर पैर पड़ा फिसल गया आदमी, या कहीं पर भी फिसल सकता है। उत्तर से मुझे पता चला, जो नए लोग आए उनको भी बात समझानी पड़ेगी ना जी, कि पतन का मतलब होता है जिससे धर्म से गिर गया, चरित्र से गिर गया। तो सबसे पहले कौन गिरी थी? द्रौपदी गिरी। तो द्रौपदी क्यों गिरी? ऋषि लिखता है पक्षपात के कारण से गिरी। फिर दूसरे में कौन गिरा? सहदेव गिरा। सहदेव किस कारण से गिरा? अहंकार के कारण से गिरा। फिर तीसरे में कौन गिरा बोलो? तीसरे में नकुल गिरा। नकुल भी क्या था? अभिमानी था और दूसरे का तिरस्कार करता था। अब कौन बच गया? अर्जुन बच गया। अर्जुन किस लिए गिरा? तो उसको कहते हैं तू अर्जुन मिथ्या घोषणाएं करता था। कैसी घोषणाएं? झूठी घोषणाएं। क्या कहा था अर्जुन से जब पूछा कितने दिन में युद्ध खत्म करेगा? बोले एक बाण में कर दूंगा। पहले दिन ही जान बचाने भारी पड़ गई युधिष्ठिर को, ढूंढ करके लाए पड़ेगा महाभारत, ढूंढ करके लाए, इसको खोलने का समय नहीं है। आखिर में किसका आ गया नंबर? बेचारे भीम का आ गया। भीम जब गिर गया तो भीम ने पूछा सारी जिंदगी लड़वाते रहे मुझे और अब मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, कम से कम ये बता दो कि मैं स्वर्ग से क्यों वंचित हो गया। ये रूपक है, ये वो कथा नहीं जो आप समझ रहे हो। ये रूपक समझाने के लिए है कि कौन व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकता है और कौन बोलो जीते जी अपने जीवन को नरक बना सकता है। तो भीम कहता है भाई देख तो लो, कृपा तो करो, सारे जीवन तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहा मैं, द्रौपदी के अपमान को भी तुम्हारी आज्ञा समझ करके पी गया। तो युधिष्ठिर को भी मतलब देता है कि अब तो जो किया है वो भरना पड़ेगा, अब तो जो किया है वो भरना पड़ेगा, जिसने जो किया कर्म फल का समय है। लेकिन भीम ने पूछा कि ये तो बताओ मेरा पतन क्यों हुआ? अब जरा दो बातें हैं बस उनको दिल में बसा दे। कहता है सबको तो युधिष्ठिर ने एक एक बात बताई थी ना, भीम को क्या कहा? तेरे अंदर दो कमियां, वो प्रशंसा बहुत करता था, डीने बहुत मानता था। मैंने पहले दिन ही कहा था ना वाणी से। तो कहता है तू डीने बहुत मानता था, जब अभिमन्यु बेचारा बालक था उसने कहा सातवां द्वार तक मैं जा सकता हूँ तोड़ नहीं सकता, तो डीनू भीम ने क्या कहा? सातवां तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा? और परिणाम क्या हुआ? वो तो घुस ही नहीं सका, चक्र को तोड़ने की बात तो अलग थी, घुस ही नहीं सका, पर अभिमन्यु का वध हुआ। तो भीम को कहते हैं तो आत्मप्रशंसा बहुत करता था, डींगे बहुत मारता था। ऋषियों को प्रणाम करना, आत्मप्रशंसा कभी आपको उत्थान की तरफ नहीं ले जा सकते, आत्मप्रशंसा कभी आपको श्रेष्ठ इंसान नहीं बनने दे सकती, आत्मप्रशंसा हमेशा आपको गुरु नीचे की तरफ लेकर के जाती है, इसलिए आत्मप्रशंसा से बचना। फिर पूछा कि दूसरा दोष क्या था? कि बहुत खाता था। आपने देखा जब आता है ना
तो द्रौपदी आती है तो उसको कुंती समझाती है कि जो खाना बनेगा उसके दो हिस्से करना, एक हिस्से में छह लोग और एक हिस्से में मतलब पांच लोग और एक हिस्से में अकेला भी, इतना खाता था। अपना कोई पापात से थोड़ी संतुष्ट हो जाता, दयानंद के शरण में गया। ऋषि ने क्या लिखा है, जो बहुत अधिक खाते हैं उनका भी ध्यान भगवान के चरणों में वो नहीं लगता। विदारण लिखता है, जो बहुत अधिक खाते हैं उनका भी ध्यान भगवान के चरणों में नहीं लगता। ऋषि क्या कहता है, जो बिल्कुल भूखे रहते हैं उनका भी ध्यान भगवान के चरणों में नहीं लगता। इसलिए खान भी संतुलित होना चाहिए। तो भीम को कहा, तू अप्पा जो है बहुत खाता था और डिंगी बहुत मारता था, इसलिए तू जो है नहीं गया। युधिष्ठिर का रहने दो, तो ना पूछो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि समय नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। अहंकार के वशीभूत होकर के ये दोष आता है आत्मप्रशंसा का। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति उसे अपने अलावा मुंह दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान, मैं सबसे बड़ा वक्ता, मैं सबसे बड़ा कार्यकर्ता, मैं सबसे बड़ा अधिकारी, मैं सबसे खूबसूरत, इन चीजों में डूबा रहता है वो। लेकिन चार प्रश्न समर्पित करते हुए वाणी को संघार की तरफ लेकर चलता मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं। चार प्रश्न पूछे हैं, श्लोक नहीं सुनाऊंगा। पहला प्रश्न ये है कि जिस दिन तुम दुनिया में आए, प्रधान जी की साइड से जवाब आएगा इसका, जिस दिन तुम दुनिया से आए उस दिन तुम्हें किसी ने पूछा था क्या, फोन आया था क्या, आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो? बोलो तो सही, कोई टेलीफोन नहीं आता। टेलीफोन आ जाता तो हम भी यहाँ अमेरिका में ओबामा की टिकट मांग लेते, यहाँ क्या करते है, वही टिकट मांग लेते जहां का टेलीफोन आता, बढ़िया से बढ़िया जगह कहते कि हमें तो वहां भेज दे। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन कोई टेलीफोन नहीं आया। आप लोग बताओ दिन पर हाथ रख करके, जिस दिन जाओगे उस दिन टेलीफोन आएगा है? जिस दिन जाओगे उस दिन भी क्या कहते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जिस दिन जाओगे उस दिन कोई नहीं पूछेगा, जब आए तब किसी ने नहीं पूछा। और कहते हैं पूर्व जन्म कृत कर्मों के आधार पर सुख दुख भी अचानक आते और जाते हैं भोग के आधार पर। कहते हैं न सुख तेरे हाथ में रहा अब, न दुख तेरे हाथ में रहा, न आना तेरे हाथ में रहा, और बोलो न जाना तेरे हाथ में रहा। और इसे कहता फिर अहंकार किस बात का है तुझे, ये तो समझा दे। फिर अहंकार किस चीज का, ये होता ही तो बता, जब कुछ तेरे हाथ में है नहीं फिर भी इतना अहंकार फटे पड़ता है, घूमे फिरता है। लेकिन समर्पण के भाव से युक्त हो जाना भाई। क्या समर्पण के भाव से युक्त होना है, ऋषि से सीख लो कि प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, स्तुति की जाती है और समर्पण किया जाता है। समर्पण भक्ति का रूप है। जो लोग नहीं जानते उतना, नहीं पढ़े दर्शनों को नहीं पढ़े, उनकी चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समर्पण की विधि को सीख लेना है तो जीवन के अंदर आप सबको क्या करना है, अहंकार को छोड़ करके समर्पण की तरफ चलता है। अपने आप को कर्ता न समझो। कहते हैं ना, एक पुत्र ने पिता पुत्र दोनों जा रहे थे जंगल में, जब भालू की शेर की आवाज आई तो जो बच्चा था वो डर गया और डर करके किसका हाथ पकड़ लिया जाके, अपना हाथ अपने पिता के हाथ में दे दिया। अब भालू शेर की आवाज तो वैसे ही आती थी,
अब डर तो केवल पिता तो रहा था, लेकिन बच्चा तो बोलो वैसे ही उछल रहा था। तो ऋषि कहता है अपना हाथ जिस दिन तुम उस परम पिता परमात्मा के हाथ में दे देते हो ना, उस दिन फिर तुम्हें कोई तनाव, कोई चिंता, कोई टेंशन बोलो होता ही नहीं है। चिंता से एक हाथ उसके हाथ में रखना, एक हाथ से संसार को चलाना, उसका धन्यवाद करना सीखो, तब जाकर के जीवन कितना सुंदर खूबसूरत बनता है। बस एक छोटा सा रूप सुना करके अपनी बात को संघार की तरफ लेके चलता हूं। सुना होगा लेकिन समझ लेना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान था, क्षत्रिय नौजवान, और क्षत्रिय नौजवान ने मुझे बड़ी अच्छी रखी हुई थी तलवार, यहाँ पर तो पंजाब में तलवार मिली जाती है, और संध्या वंदन भी करता था, परमात्मा का भक्त भी था, तलवारबाजी भी अच्छी करता था, पर्सनैलिटी भी कमाल की थी। संयोग कभी कभी ऐसा बन जाता है कि पति पत्नी की जोड़ी ऐसे बनाता है, भगवान के लोग क्या कहते हैं, अरे जोड़ी क्या कमाल की बनाई, दोनों खूबसूरत, पत्नी भी वैसी खूबसूरत मिल गई। लेकिन खूबसूरत पत्नी जब मिल गई तो पति ने क्या कहा, चलो घूमने चलते हैं। पत्नी खुश हो गई, पति देव बड़ा ख्याल करने वाला मिल गया, भाई घुमाने नहीं जा रहा है। कहने लगे काम में चलते हैं कि चलो समुद्र में घूमने चलते हैं, अब समुद्र में ले रहे हैं घुमाने के लिए। तो पत्नी के मन में तो आया कोई जाता है थाईलैंड, कोई जाता है लंदन, कोई कहीं, ये पक्का समुद्र में घुमाने ले जा रहा है यार, दो दिन बाद ही। अब समुद्र के चरित्र का कुछ पता नहीं, समुद्र के कैरेक्टर का कुछ पता नहीं, कब उसमें तूफान आ जाए, कब उसमें हवाएं तेज चलने लगे, कब नाम डगमगा लगे, कुछ नहीं पता होता। अब जैसे ही अंदर गए तो इत्तेफाक की बात थी, हवाएं तेज चलने लगी, लहरें उठने लगी, नाम डगमगाने लगी, तो पत्नी के मन में माथा और ठनक गया कि कोई कहीं ले जाता घुमाने बढ़िया जगह, ये समुद्र में लेकर के आ गया महाराज। अब जो है वो हाथ कस के पकड़ती है, लेकिन बंधन छूटना चाहता है, नाम जपती जिसे डोलती है तो लगता है कि हाथ छूटेगा, हाथ छूटेगा तो उसने देखा पतिदेव तो आंख बंद करके कुछ गुनगुना रहा है, और मुट्ठी जो है तलवार की मूठ पर है और कुछ गुनगुना रहा है, अब तो रहा नहीं गया उससे। उसने कहा एक बात तो बताओ, अरे कमाल का आदमी है, मैंने सोचा मैं यहाँ डूबने वाली हूँ और ये आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये मुझे जो है तलवार पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। वो कहती है सुनो जी, क्या सुनो, कि आपको पहले तुझे बताओ कि समुद्र खुला था घूमने के लिए है। कहने लगा कोई बात नहीं, क्या बात है तो बताओ। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, नाव डगमगा रही है, छोले खाती है, कभी भी इस समुद्र में बोलो डूब सकती है, मेरा हाथ भी छूट सकता है, और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कुछ घट ही नहीं रहा। उसने कहा अच्छा, उसने जो तलवार थी ना छट से निकाली, और छट से निकाल करके अपनी पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी भी सख्त पका गई, इसको क्या हो गया, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तलवार जब गर्दन पर रख दी तो अब उस नौजवान ने एक प्रश्न पूछा, इसके मर्म को समझ लेना भाई। प्रश्न ये पूछा कि ये बता, तेरी गर्दन पर तलवार नंगी रखी है, तुझको डर लगता है कि नहीं लगता। तब तक पत्नी संभल गई थी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कहती है एक बात बताओ पतिदेव, डर तो तब लगता जब तलवार किसी गैर के हाथ में होती है, गलत कह रहे हैं। कहती है डर तो तब लगता जब तलवार किसी गैर के हाथ में होती, तलवार तो मेरे पति के हाथ में है,
तो फिर मुझे डर किस बात का है, मुस्कुराते हुए कहती है, अब जो उत्तर नौजवान ने दिया बस उसको दिल में बसा लेना, तो दो चार महीने अपनी विश्वास दो चार मिनट दे दो, आज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, नौजवान क्या कहता है, अगर दो दिन पहले शब्दों को पकड़ना भाई से मर्म समझ में आ जाए आपको समर्पण का, अगर दो दिन पहले जब तेरा और मेरा रिश्ता कितने दिन से बनाया, बोली दो दिन से, अगर दो दिन पहले मैं तलवार तेरे गर्दन पर रखता तो तू क्या रिएक्शन करती, तो कहती है कि मैं तो फिर खुद ही शायद समुद्र में कूद जाती। वो कहता है कमाल कर दिया तूने मेरी देवी, तुझे दो दिन में मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि तलवार मेरे हाथ में है तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन जो जन्म जन्मांतर से तेरा भी पति रक्षक और बोलो मेरा भी पति है उस पर तुझे भरोसा नहीं रहा क्या, जो तू थोड़ी सी लाज टगमगाते ही चिल्लाने लग गई, अब तो इस नाल को इन लहरों से बोलो उसके अलावा बोले तो सही कोई पार नहीं लगा सकता, अब तो इस नाल को इन लहरों से उसके अलावा कोई पार नहीं लगा सकता, तुझे उस जगत पिता पर जो जन्म जन्मांतर तक जिससे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उस पर भरोसा नहीं, अब तो इस नाम को वही किनारे पहुंचा सकता है, बस दिल में इस बात को तो घर घर बनने दो, भव सागर में सबकी नहर डगमगाती है नाम याद रखने का, इस संसार रूपी सागर में सबकी नाम डगमगाती है लेकिन जिसका भरोसा उस पर पिता परमात्मा पर होता है डगमगाती बेशक सही लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं, उसको किनारा बोलो दिल मिल ही जाएगा, प्रकाश का विगत मिलता है, मांगना है जो भी कुछ मांग लेगा तुमसे प्रकाश, बन के भिक्षुक द्वार द्वार पुकार कौन करे, उतार दी तेरे सहारे भवर में नैया, मूड माछी की विनय बार बार कौन करे, मूड़ माछी की विनय बार बार कौन करे, अरे किस लिए, मेरा माछी कौन है बोलो परमात्मा है, इस जीवन सागर में उसको माछी बना लो, इस संसार के मित्र तो ही साथ बोलो छोड़ ही जाते हैं, अरे ये तो सारे बात सुपर जाने लगी सुन गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर ऋषि दयानंद से कुछ सीखिए और ऋषि से कुछ सीखेंगे, अब स्वामी जी का आदेश है प्रधान जी थोड़ा बैरियर हटाओ समय का, मैं स्वामी जी का आदेश है तो कविता सुना देता हूँ और चल रही है, बहुत सारी मेरी रचनाएं हैं जो आप शुरू में बोलते हैं वो भी मैंने लिखी है और ये कविता भी लिखी है, लिखित में मत मानना, जिसको रिकॉर्डिंग करनी हो तो कर लो क्योंकि लिखने का समय होगा नहीं, इसलिए धर्मवीर जी सबको दे देंगे बार बार इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ऋषि के चरणों में अर्पित है कि भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, बोलो भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था, अगर मैं थोड़ी बहुत कमी भी कर दूं ना ये महाराज करने नहीं देता वाह कर देता तो फिर मेरा कुछ जोशा जाता है, ऐसे बड़े श्रोता थे, तब शब्दों पर ध्यान देना, गुलामी की
इसमें तो जोर जोर से गया लेकिन क्या करके मुझे विश्वास उठे
दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सके कि जाते जाते लाख जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। कभी मैं कल्प बुद्धि था कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषि वर्मान जानी, लेकिन अभी भी तुम्हारे स्मरण मात्र से मेरे कितनी बार कदम लड़खड़ाते हुए बोलो संभल गए।